5-6 घंटे ज्यादा नहीं सो पा रहे, वो भी रात में 3-4 बार नींद खुलती है। अगर नाइट में भी आप लोग हैं, 2 बजे भी जा रहे हैं, तो अपेक्षा कर मैं करता हूँ 10 बजे आ जाओ, तो आना पड़ेगा यहाँ लोगों को, आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही कर रहे हैं। शशिकांत मौर्य जी, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, पीछे हो जाओ, धूप में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा आप में भी आके धूप में आ जाता हूँ, तो आप धूप में कर लो। सोलंकी जी को सैल्यूट करना चाहिए। सोलंकी जी के भाई की डेथ बताइए, इतना बड़ा गमी में चल रहा है, बेचारे सेवा कर रहे हैं इस समय। ये मीडिया वालों को ही मैं बोलूंगा, तो ताली बजाना चाहिए उनके लिए। आप लोग काम करोगे यार, जाने बच जाएंगी शहर में। सही टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए भेज दो, कुछ नहीं होना है, 7 दिन में सब ठीक हो रहे हैं पेशेंट। राजेश यादव जी, सुनील सराठे जी, इनको प्लीज यार, सोलंकी जी आप देख लेना कहाँ पर है। सुनील सराठे आपका है, जहाँ भी है ये, और मोबाइल बंद है तो घर का एड्रेस लो, जेल अधीक्षक को बोलो वहाँ है कि नहीं है। अगर जेल अधीक्षक के पास नहीं है तो मतलब ये ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है ये। और डीजे साहब से मैं बात कर लूँगा, इसको पेश कराओ जरा मेरे सामने इसको। मतलब अगर बुला रहे हैं जेल अधीक्षक तो रोज चले मेरे से, ऐसे क्या हो गया ये घंटे 10 मिनट के बुला रहे तो आ नहीं सकते। और ठीक है, किचन के लिए दूसरी ड्यूटी लगा देंगे अपन वहाँ पर, देख लेंगे। डीजे साहब ने डॉक्टर लगाने का बोला होगा, तो डॉक्टर लगाएंगे वहाँ पर, इनको चेंज करो जरा वहाँ से। आप लोग देख लीजिए जहाँ जहाँ आप लोग एरिया डिसाइड, इनको तो कैसे करोगे एरिया उसके साथ में, वो वाले लोग ही फिर सर सकते हैं, क्योंकि ये तो मोबाइल टीम्स है, ये स्पेयर में मोबाइल टीम्स है जो कहीं भी जा सकती है इस पर रिक्वायरमेंट, इसलिए इनको तो यही आसपास देख लो ना, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम बैठेगी कहाँ यहाँ पर। इस समय आप लोगों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग अभी नहीं आए हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, मैं उनको भी वैसे वो भी आपको सक्रिय दिखेंगे सर। ये अजय शर्मा जी, आप कल्चर का लेना डॉक्टर साहब के साथ में, कि वो सब मेरे से मीटिंग हो जाए सबके, और अपने को जो भी जहाँ भी जाए अपने बच्चे की तरफ पेशेंट को देखना है, और सैम्पलिंग वही करानी है मौके पर, संभव। कई बार क्या होता है सैम्पलिंग लिए अपने अस्पताल ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस अधिक करना है। शुरू में गए लोग अपने ले गए, परेशानी सेंटर में ले गए अपन, और वहाँ सैम्पलिंग कराई, पर अपने को विश्वास हासिल करें, घर पे रहकर सैम्पलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या हो रहा है कि अगर 100 सैम्पलिंग हो रही है तो 10-15 निकल रहे हैं पॉजिटिव, 80-90 निगेटिव निकल रहे हैं, तो अपन 10 जगह सैम्पलिंग कराएंगे तो 1-2 जगह निकलेंगे पॉजिटिव। अभी सिंपल है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो साथ में भेज लीजिए, तो आप लोगों को दवाइयाँ रहती होंगी आपके पास ना, तो नहीं है दवाइयाँ नहीं है फिर यार, इन्हीं को दे दो ना किट लेके, पीछे जो पैरामेडिक चल रहा है किट लेके चलता रहा ठीक से, इन्हीं को इसको लगाया उसको लगाया, इसी से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इन्हीं को दे देंगे आप, तो किट इनको ही दो। फार्मासिस्ट को बोलो किट सबके पास रहना चाहिए, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि इंश्योर करें सब दवाई रहे। सैंपलिंग की टीम की आवश्यकता बढ़ाने की नहीं है हमको, पर क्या होता है कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। दो तरह की आरटी टीम, आरटी टीम मतलब रैपिड रिएक्शन टीम होती है, एक हमारी कंट्रोल रूम में यहाँ पर 14-15 टीम है, और एक एसडीएम के साथ में 22 टीम दे रखी है हम लोगों ने। ये इनमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी देते हैं। सैंपलिंग की टीम अभी फिक्स 10 टीम जो हैं, 10-14 टीम करीब हैं, वो अलग अलग मूवमेंट करती हैं डिमांड ऑन कॉल। हमने ये बोला है जिनको, उन टीमों को बढ़ा दें और 2 SDM के बीच में एक टीम कर दें, 2 RRT टीम जो है कंट्रोल रूम में रखी उनके बीच में एक टीम कर दें, इससे कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाता है और फास्ट काम होता है, इसलिए हमने बढ़ाई है।